हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो होने वाली है बड़ी अमेजिंग, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम लैपटॉप या पीसी में स्लिपिंग टूल कैसे यूज़ कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट कैसे ले सकते हैं। तो आप चलते हैं अब अपनी वीडियो की तरफ। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आपको। तो मैं अपनी क्रोम की न्यू टैब खोलूँगा। कोई पिक्चर लेनी हो जैसे कि लायन, चलो भैया लायन चलेगा, सब चलता है यहाँ, जो भी ना चले बता देना, सब चलेगा सब। आप देख क्या बोल इंग्लिश बारा बोलता हूँ, हाँ आप देख रहे होंगे यहाँ शेर यानी लायन की पिक्चर है। मैं यहाँ इमेजेस से करा जाता हूँ, इमेजेस को देखिए इतनी प्यारे प्यारे जानवर हैं, बेचारा कपिल। अच्छा चलो यहाँ देख रहे हैं। अब भाई एक तरीके से पिक्चर यूज भी सेव कर सकते हैं कि सेव एस में जाके सेव कर दें। और एक तरीका एक और भी है, ये तरीका बहुत ही खूबसूरत तरीका है, बता रहा हूँ यहाँ से। और ये तरीका है, दिखा देता हूँ उसकी पिक्चर आपको मैं, वो तरीका ये है स्निपिंग टूल। अब स्निपिंग टूल का मायने है, चलो पहले मैं इसका ये देख रहे हैं। आप न्यू, हम न्यू पे क्लिक करेंगे ना, तो पीछे का मतलब ये जो पीछे का बैकग्राउंड है ना, आप या पीछे का बैकग्राउंड देख रहे हैं, पीछे का ये शेर वगैरह वो सब एकदम हट जाएगा। ये देखेंगे, ये पिक्चर ली मैंने मैंने ये पिक्चर ली। अब मुझे स्क्रीनशॉट मारना है। अब मैं यहाँ से जाऊँगा, यहाँ पे न्यू पे क्लिक करूँगा, प्लस का साइन आ जाएगा है ना, प्लस का साइन आएगा। इसके बॉर्डर्स के साथ मैं इसको यू खींच लूँगा, मतलब इसका क्रॉस भी साथ आएगा, फिर तो बाद में क्रॉप देख कर लेंगे। चलो मैं एक पिक्चर खींच के दिखाता हूँ, आ जाओ उसके साथ एक पिक्चर खींचता हूँ, आ जाओ रुक जाओ एक मिनट रुक जाओ बस। तो आप देख सकते हैं मतलब ये पिक्चर आ गई है, यही टिकटॉक कॉपी मैंने स्क्रिपिंग टूल से लिया। ये देखें आप कैसी मैच कर रही है ना, मैचिंग है। अच्छा अब मैं ना ये देख रहे हैं इसको कैसे सेव करना है। भाई इसको सेव करने के लिए ना ये देखो, एक ये है, इसको ना यहाँ से राइट क्लिक करेंगे तो ये चीज और ये दो चीजें गायब हो जाएंगी। अगर मैंने जब स्क्रीनशॉट लिया तो मेरी चीज में ये चीज मौजूद है। चलो कोई बात नहीं, इसको क्रॉप कर लेंगे। अब देखते हैं सेव कैसे करते हैं। ये स्क्रीनशॉट ले लिया हमने इसका, स्क्रीनशॉट होता है जब कहीं आपको लेने की आप लेना चाहते हैं, मगर वहाँ वो ऑप्शन नहीं आ रहा होता कि सेव एज करने वाला, वो ऑप्शन नहीं आ रहा होता, तो आप स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। और मैं ये बता दूँ ये खाली विंडोज 7 पे यूज होता है, विंडोज 7 नहीं, ये किसी और विंडोज में नहीं होगा, विंडोज 7 में ही होगा स्निपिंग टूल। हाँ मैंने खाली विंडोज 7 ही यूज किया, तो मुझे इतना पता है, बाकी का नहीं पता। जब फाइल पे जाएंगे सेव एज पे जाएंगे, सही हमने सेव एज किया, मेरे पास एक और विंडो खुल जाएगी। अब देखो बोलेगा भाई कहाँ सेव करना है, मैंने बोला भाई ये लायन की पिक्चर है, लायन की पिक्चर है उसको कर दे सेव, नहीं डेस्कटॉप पे सेव कर दे। अब मेरी हो जाएगी डेस्कटॉप पे सेव बैक क्रॉस। अब मैं देखूंगा कौन, अब मैंने इसको न्यू करा, मैंने ना ले ली इसकी पिक्चर इसकी, अब ये देखें मैंने इसकी पिक्चर सेव कर ली ना। अब देखो मैं इसकी फाइल पे नहीं जाता ना सेव करता हूँ, बस मैं इधर सीधा क्रॉस मारता हूँ, क्योंकि मैंने देखो सेव ली। अब मैं उधर क्रॉस मार दू, खाली क्रॉस ही मार देता हूँ बस। मगर देखो ये पूछे कहाँ सेव करना है, क्योंकि मैंने पहले, अब मैं यहाँ जाऊँगा फाइल पे, इसको भी सेव कर लूंगा, इसको पहले चले कैप्चर पे सेव करते हैं। अब देखो कैप्चर में सेव हो गई, अब मैं इसको क्रॉस कर दूंगा गायब, मैजिक। चलो भाई अब ये तो हो गया, चलो मैं यहाँ इस वीडियो का एंड कर देता हूँ। उसका फायदा क्या है इस वीडियो को आगे बढ़ाने का, कुछ समझा दो या जो समझाना था, तो मैं यहाँ वीडियो एंड करता हूँ। अगर आपको पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर देना और लाइक का बटन बनाना मत भूलिएगा, वरना पिटे गए पिटो गया लाइक सब्सक्राइब किया तो सही है। अच्छा मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़।